हेलो, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम के पूरे रेसिपी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क। 400 मिलीलीटर डबल टोन मिल्क का इस्तेमाल करूंगी। उसके साथ दो पके हुए आम जिसका वेट लगभग 500 ग्राम, शक्कर, उसके साथ कॉर्नफ्लावर और साथ में सम ड्राई फ्रूट्स। पहले हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर कटे हुए मैंगो डालेंगे। अब हम मिक्सिंग जार के ढक्कन बंद करके मैंगो को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी मैंगो अच्छे से ब्लेंड हो गया। आप इसको हम छाकेंगे। अब हम मैंगो को छाक के मैंगो के प्यूरी निकालेंगे। फ्रेश प्यूरी मैंगो आइसक्रीम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे मैंगो प्यूरी रेडी हो गया। अब हम इंडक्शन को ऑन करके एक पैन में मिल्क गरम करेंगे। मैं यहाँ पर डबल टन मिल्क का इस्तेमाल किया। आप प्लेन मिल्क का भी कर सकते हो, लेकिन डबल टन मिल्क में आइसक्रीम ज्यादा अच्छा होता है। मिल्क अच्छे से गर्म होने के बाद हम एक बोल लेंगे और पैन में से 3 चम्मच मिल्क इस बोल में डालेंगे। उसके साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिला के एक बैटर बनाएंगे। अब हम इस बैटर को मिल्क में डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ऐसे ही इसको अच्छे से मिलाते रहना, नहीं तो मिल्क नीच से जल जाएगा और फ्लेम को मीडियम भी कर देना। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच शक्कर और इसको ऐसे ही अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक मिल्क गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा टाइम बाद आप देख सकते हो हमारी मिल्क गाढ़ा हो गया और ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी हो गया क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया था। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मैंगो प्यूरी के साथ ये मिल्क मिलाएंगे और एक बैटर बनाएंगे। हमारी बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम एक मिक्सिंग जार के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी बैटर अच्छे से ब्लेंड हो गया और वो पहले से भी ज्यादा क्रीमी हो गया। अब इसको हम एक टिफिन बॉक्स के अंदर डालेंगे। अब टिफिन बॉक्स के ढक्कन बंद करके इसको हम फ्रिज में 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद आप देख सकते हो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है। अब इसको हम फिर से मिक्सिंग जार के अंदर डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग होने के बाद आप देख सकते हो ये पहले से भी ज्यादा क्रीमी हो गया। अब इसको हम फिर से टिफिन बॉक्स के अंदर डालेंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और टिफिन बॉक्स के ढक्कन बंद करके इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 4 से 5 घंटे बाद रेडी हो गए हमारी ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम। ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो और प्लेन भी खा सकते हो। आप देख रही हो ना ये कितना ज्यादा क्रीमी है, मुंह में डालते ही ये घुल जाएगा। तो आप इसको घर में जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन को भी दबाना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।